अभी सवेरे सवेरे हो गई, हो जाती लड़ाई। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो आ गए तो अपने औकात पे है, ये है एक्चुअल में आपका वो मंदिर, यही हाँ ताजमहल और रेल पत्थर से। तो सुबह के बज गए हैं 5 और हमारी बस जा रही है, हम पहुंच गए हैं चिड़ावा, यहाँ से 15 किलोमीटर है पिलानी। अभी सवेरे सवेरे हो गई, हो जाती लड़ाई बहुत तगड़ी वाली। तो भाई यहाँ के लोगों से लड़ाई मत किया कर भाई, वो खतरनाक होते हैं। अरे वो खतरनाक होते हैं, तू समझता ना है इसको। ऐसे ही बोलते हैं, मतलब अच्छा लगता है, यहाँ की भाषा भी लगती है। देखो इंडिया में हर एक जगह की भाषा अच्छी लगती है, कहीं पर भी जाओ। पी जा रही चाय, मिल गई है बस पिलाने के लिए। सही है, इसी में आना चाहिए था। हाँ वही था, ये सर्विस हमें मिलनी चाहिए थी दिल्ली से, बस 15 किलोमीटर के लिए हमें सर्विस मिल रही है, इसमें क्या लेट है। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, पिंक पिंक मॉर्निंग एंड दैट इज बिट्स। वो है फाइनली हम पहुँच गए अपने स्कूल, ये है अपना स्कूल और ये है अपना स्टे। यार अभी हम लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, एंट्री कर दी है, पर वो हुआ करता था असेंबली हुआ करती थी। तो ये पूरा डिस्कलर हो गया ना, ये पूरा डिस्कलर हो गया अपना स्कूल, ये देखो कितनी पुरानी है। और ये रहा फिजिक्स लैब, खूब चीटिंग की हमने, ये हमारी फिजिक्स लैब, हमने खूब चीटिंग की है। यहाँ पंखा चल रहा है बढ़िया सा एकदम, आप जैसे उसमें नहीं होता कॉलेजेस में देखते हो, जैसे कॉलेजेस में होती नहीं पूरी सीट ऐसी रहती है ऊपर से नीचे पूरी इसी तरीके से। ये देखो हम लोग पढ़ते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो जिंदगी में अभी कुछ ही काम का नहीं है। बस एक ही चीज काम की होती है, बैंक बैलेंस कितना है, मतलब दैट इज द रियलिटी। ये सारी चीजें काम आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप रिसर्चर हो टीचर हो तब काम आती हैं, एक्चुअल अभी लाइफ में जो भी चल रहा है कुछ काम नहीं आती है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो बहुत लोगों की वीकनेस होती थी, फोटो सेशन होता हुआ, वो अपनी क्लास बार बार याद आ रही है 12वीं। अभी चलते हैं ऊपर स्कूल में, पूरे कल्चर रोल ऑफ ऑनर 1952 से स्टार्ट है, ये देखो पूरा सबके नाम है यहाँ पर। लाइब्रेरी है, नहीं ये ऑडिटोरियम है, नहीं ये सॉरी ये लाइब्रेरी है, कितनी पुरानी लाइब्रेरी है। ये है हमारा मेन जो सिंबल है। अभी हम लोग खाने जा रहे हैं, फेवरेट यहाँ की कचौड़ी बहुत ही अच्छी होती है, फेवरेट यहाँ के बहुत ही मशहूर खस्ते विद चटनी। और आ गया है पराठा एंड चाय, मजे दार। ये वाली जो चटनी है ना बहुत ही बेहतरीन है, ये बनी है लहसुन से धनिए से दही से, बहुत अच्छी है, लहसुन भी इसमें बहुत प्यारा है। गाइस देखो मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं थोड़ा नहा नहीं पा रहा था बीच में, लेकिन बीच में 2-3 दिन मेरे को नहाना पड़ा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से पूछ करके मैंने नहा लिया। लेकिन ये बंदा है ना, ये मतलब ये डेली नहाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब इसका ये पुराना रोल है, हॉस्टल लाइफ में इनको नहाना नहीं रहता था, इसलिए इसका एक नाम बहुत फेमस है। आ गए तुम अपने औकात पे, दिखा दिए तुम कि हो तुम बिरला गए। तो फिलहाल यार अभी तो मैं रेडी हो चुका हूँ, राघव भी रेडी हो रहा है, इसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए बिट्स कैंपस जाएंगे और सारी चीज़ें, इसके बाद हम लोग का प्लान रहेगा वो अपने अंकल के यहाँ जाएगा और हम लोग के और जो बैचमेट हैं हम लोग शायद उनसे मिलेंगे। मैं एक्चुअली एल्यूमनाई के लिए मैंने अपने कपड़े खरीद रखे थे, लेकिन इसी से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसको भूल चुका हूँ, जल्दीबाजी में नहीं लाया। आते हो ना बहुत सारे लॉजेस मिल जाते हैं, एक वो माहेश्वरी लॉज है, एक अपना स्कूल के सामने मैंने दिखाया वो है, ये माहेश्वरी लॉज काफ़ी फेमस है, ये रेल बिरला का। तो अभी हम लोगों ने जो प्लान था ना जाने का, बेट्स थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि सारे दोस्त अभी अपने आ रहे हैं स्कूल पे, तो हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट है वहाँ पर जा रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्डिंग्स ये सब अच्छी लगती दिखने में विंटेज स्टाइल में, अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा है वेनिस में आ गए हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी देखो बिल्डिंग ऐसी किसी अंग्रेज को ला लो, सी दिस इज ओल्ड टाइम, दिस इज नॉट ओल्ड इंडिया, दिस इज विंटेज इंडिया। इतना प्यारा लग रहा है, ये तहखाना है। वो गलियां हम एंटर कर रहे हैं गलियों में, ये वो गलियां जहाँ से हम लोग एक दो बार टपने की कोशिश किए थे, एक बार सक्सेसफुल हुए थे यहाँ से, ये जनरेटर है ना यहाँ पर, यहाँ से मैं सक्सेसफुल हुआ था। तो देखो आज भी ऑटो चलते हैं, राजस्थान के बहुत फेमस एंड काम चलाऊ ऑटो है ये। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं बिट्स कैंपस, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं बिट्स के कैंपस में। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी तो शायद आवाज़ ना आई हो, अभी वो एंट्री कराने के लिए गए हुए, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। हाँ एंट्री करनी पड़ेगी आपको।
ये बिरला का पूरा ग्राउंड है, जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं सारी यहीं पर खेली जाती है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिरला मंदिर। ये बिरला मंदिर, ये बिरला जी का है, ये श्री जी डी बिरला जी। और इसके जस्ट पीछे देखोगे वो है बिट्स, बिट्स का मेन कैंपस। तो ये पूरा ये इनकी मूर्ति सर की एंड बिरला मंदिर, तीनों एक ही लाइन में लाइन है। तो ये हमारा बिरला मंदिर, ये है एक्चुअल में आपका वो मंदिर जो सबसे पुराना बिरला जी का मंदिर है। इंडिया में जितने मंदिर हैं इसके बाद बने हैं, बताइए 50 साल भैया चल नहीं पा रहे हैं ऐसे लोग, मतलब 90 एक सुनता ही नहीं था, वो मशीन लगा रखी थी जोर से बोलना पड़ता वो। गाइस बहुत सारी कारें आने लग गई, देख लो मंदिर कैसे हो गया। ये पहले मतलब देखो ये क्या कलर है, ऊपर देखो कैसे हो गया, ये पत्थर है यही। हाँ ताजमहल और रियल पत्थर सेम है। हाँ ये भी मैंने सुना था, पंडित जी ने लास्ट टाइम बताया था। पता है पत्थर है ही नहीं इंडिया में है ये वाले पत्थर, बताओ ये सारी जो पत्थर है ना सब है ही नहीं इंडिया में, खत्म हो गए। इतने इसको पूरी पंडित जी बता रहे हैं इसको पूरी सफाई कराने में कम से कम 3-4 करोड़ रुपये लगेंगे इसकी पॉलिश कराने में, तब जा करके होगा। सोचो इतना पुराना मंदिर और ऐसा मार्बल है ये। यहाँ पर आके जो सुकून मिल रहा है ना पूछो नहीं, अरे वाह बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत ठंडा है। ये अपना उधर मंडी का ढाबा, बहुत फेमस ढाबा था, कुलचा बहुत खाते थे और कूद कूद के आते थे हम लोग, जम कर करके आते थे, बार खाते थे, बार बार के चोरी थे, पकड़े भी जाते थे हम लोग। सारे अपने दोस्तों आ रखे हैं और ये अपना हॉस्टल राजस्थान हॉस्टल, हम पहुंच गए पूरा मैगी पॉइंट हम लोग का खा देते। और ये अपना राजस्थान हॉस्टल, अब ये रेजिडेंशियल हो गया, पहले स्कूल हम लोग यहाँ से आते थे बस लेते थे स्कूल जाते थे, अब सब कुछ यहीं पर हो गया है रेजिडेंशियल वालों के लिए। ये एंट्री हो रही है हमारे हॉस्टल की, क्या हो रहा है कैसे भैया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वो सब किधर है, ये सब मोबाइल ओपो वो कहाँ गए? इसकी भी है एच पी की है, प्रिंसिपल की रेंज रोवर, क्या प्यारी लग रही है। मजे चल रहे हैं, मजे जैसे लाल सर है, स्विमिंग सर है, स्विमिंग सिखाते हैं, बहुत तगड़ा सिखाते हैं, नेशनल लेवल प्लेयर भी हैं। ये क्लास 9 का पूरा ब्लॉग है, ये सीनियर थे 9th में, मैं नहीं था उस समय, यहाँ 7th क्लास थी, यहाँ 7th 8th, यहाँ 9th क्लास थी। मक्की सॉरी भाई यार तेरे को बुला रहे हैं यहाँ पर। ये चीज हर एक हॉस्टल में कॉमन है, यहाँ से आके टीचर देखता था बच्चे करके आ रहे हैं, फीलिंग बहुत अच्छी होती है घर में बात करने वाली। क्लास 9th and 10th का था, अभी हम लोग यहाँ पर ग्राउंड है वहाँ चल रहे हैं सब लोग, बास्केटबॉल ग्राउंड यहाँ पर पूरा बन गया, ये अपना बास्केटबॉल ग्राउंड। बास्केटबॉल कम था, हम लोग यहाँ क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, वो पूरा हो रहा है। ये देखिए अपना होबो, मैंने बोला ये तो हमेशा सदाबहार ऑलवेज स्विमिंग पूल, कितना गंदा है देखो। ये देखो रेस्क्यू फ्रॉम ड्रोनिंग एंड CPR टेक्निक्स, ये देखो हो रहा है यहाँ पर अपना बास्केटबॉल मैच शुरू हो गया, बचपन आ गया। वो उधर जिम है, वो अपना जिम, वो अपना लॉन टेनिस था, यहाँ हॉर्स राइडिंग हुआ करती थी, अभी फुटबॉल बन गया, ये पूरा पहले ग्रास नहीं था कुछ। एनर्जी लेवल चला जा, चल 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 चल